मैं समझना कि इस बड़े शरीर दे विच बड़े शरीर दे विच यानी हुण दा अज दा पाकिस्तान या एदो पहला दा जदू हिंदो पाक या एक पूरा बड़े शरीर हुंदा सी उहदे विच भी सब तो अलाइव कल्चर जिहड़ा सब तो जिंदा कल्चर जिहड़ा उह पंजाब दा कल्चर है। इथों दी धोती, इथों दी पग, इथों दी ओह जुत्ती खुसा, इथों दा ओह मुंदरियां, इथों दा ओह खेस, इथों दी ओह दरी, ओह लेफ, जिहनूं असीं अज रजाई भी कह दिंदे आ, रजाई भी ठीक लेफ, ओह सारा। ते मेरा खुद घर जिहड़ा सी कौरपुर पिंड दे विच ओह अद्धा मिट्टी दा बणिया सी, ते ओह मिट्टी दा जिहड़ा बणिया सी उहनूं असीं अपना घर कहिंदे सां, ते जिहड़ा इट्टां दा उहदे च किस्सा बणिया सी उहनूं असीं बैठक कहिंदे सां। ते उहदे विच जो कुछ असीं सिखिया जिस तरीके नाल, जिस करीने नाल, जिस सलीके और दे नाल असीं उहदे विच रहे हां और उहदे विच सानूं कामयाबी दे मुस्तकबिल दे रस्ते सानूं मिले ने, ओह उसे ही कल्चर दी देन है, उसे ही कल्चर दी देन है। ते साडे विच इक वड्डापन पाया जांदा, साडे च इक हौसला पाया जांदा, असीं हारन नूं वी उसे ही मानने हां जिस तरां असीं जित नूं मानने हां। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट साडे च पाई जांदी है, असीं आउण वालिआं नूं वी वैलकम करने हां, उहनां नूं असीं अपना बेहतरीन तावन जिहड़ा उह वी पेश करने हां। ते इस तरीके दे नाल साडे कल्चर, साडा कल्चर जिहड़ा उह साडी ज़ात तों ज़ाहिर हुंदा ते साडी ज़बान तों बयान हुंदा है। ते इह बहुत बड़ा कल्चर है, बहुत बड़ा कल्चर है, एक किसे होर कल्चर च दम नहीं होया अल्लाह दे फजल नाल, बल्कि इन्हें मुतासर कीता है जबान पंजाबी तो लै के तो तुहाडे लिबास ते ऐ ते ओ। मेरा ये भी भाइयों नूं, दोस्तों नूं, भैणों नूं, यारों नूं, बच्चियों नूं कि अगो ठीक है अंग्रेजी भी बोलो, अंग्रेजी लिबास भी पहनो, होर भी जिहड़ा भी तुहानूं कोई चंगी आदत लगदी ओह पाओ, लेकिन अपने आप नूं ते अपनी बोली नूं कदे ना छोड़ो।